जय हिंद फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने डिस्कशन लास्ट वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग वर्धमान और ह्रासमान फलन पर पॉइंट निकालना सीखेंगे, अंतराल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे इसमें आपको पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन गिवन है, क्या है, f of x fx equal to 2x square minus 3x, इस तरह से इसमें भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया, आगे भी आपको फंक्शन दिया रहेगा, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे या कोई भी फंक्शन दे, तो आपको इसमें पॉइंट निकालने कि किन पॉइंट पर फलन वर्धमान है और किन पॉइंट पर ह्रासमान। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, f dash x यानी कि फलन का अवकलन करना है। तो 2x square का अवकलन करने के लिए 2 12 आ गया, x स्क्वायर का क्या होता है 2x माइनस 3x का 3 हो जाएगा। f डैश x की वैल्यू क्या आ गई 4x माइनस 3। अब f डैश x इक्वल टू 0 रखना है, f डैश x इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3/4, ये x की वैल्यू आई है। लेकिन ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि फंक्शन वर्धमान है कि ह्रासमान है, वो डिसाइड करने के लिए आपको एक नंबर लाइन संख्या रेखा आपको ड्रा करनी है। आपको पता है इस साइड माइनस इनफिनिटी होता है, इस साइड प्लस इनफिनिटी होता है। अब इसके बाद जो 3/4 है बीच में, इसको आप मेंशन करेंगे 3/4। 3/4 से माइनस इनफिनिटी का एक इंटरवल है और 3/4 से प्लस इनफिनिटी का एक इंटरवल है। 3/4 से जो छोटे नंबर होंगे वो क्या होंगे, माइनस के होंगे, और 3/4 से जो बड़े होंगे वो प्लस होंगे। यदि आप यहाँ पर माइनस का 1 लेते हैं, -1, तो f -1 इक्वल टू, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, माइनस f -1 इक्वल क्या हो जाएगा 4 × -1 -3, तो -4 - 3 - 7, यानी कि 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, f डैश x की वैल्यू -7, यानी कि ये निगेटिव है। निगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था, फंक्शन क्या होगा, ह्रासमान होगा। यहाँ पर ये ह्रासमान होगा इस अंतराल में, और इस अंतराल में क्या होगा, कोई वैल्यू एक ले लो, +1 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 4 - 3, 4 × 4 - 3, 4 में से 3 माइनस किया तो प्लस का 1 आ गया, तो ये वर्धमान होगा। अब देखिए बच्चे इसी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ वर्धमान होगा, कहाँ ह्रासमान। अब आपको मैंने यहाँ पर इस इंटरवल की वैल्यू लेकर चेक करा दिया कि फंक्शन की वैल्यू f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो फलन वर्धमान कहाँ पर है, ह्रासमान कहाँ पे, 3 से प्लस इन्फिनिटी तक वर्धमान, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक ह्रासमान। तो देखिए ए नंबर पे, ए नंबर के लिए वर्धमान फलन का अंतराल क्या है, वर्धमान फलन का अंतराल हो जाएगा 3/4 से इन्फिनिटी, और बी पर ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए अंतराल क्या हो जाएगा, देखिए माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 3/4 तक, ये इसके अंतराल हुए, यही आपका आंसर हो गया। अंतराल पूछ रहा था, ये अंतराल। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम है, f ऑफ x की वैल्यू 2x³ - 3x² - 36x + 7। अब f डैश x निकाला आपने, f डैश x क्या हो जाएगा 2 × 3x² - 3 × 2x - 36 और ये 7 का 0 हो जाएगा। तो f डैश x इक्वल टू 6x² - 6x - 36। अब f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू
जीरो रखा तो क्या हो गया, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस 36 इक्वल जीरो। सिक्स कामन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस का एक्स माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो। इसके आप फैक्टर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का टू एक्स माइनस सिक्स, फैक्टर तो आते ही है ना आप लोगों को। अब देखिए एक्स कामन लिया तो एक्स माइनस थ्री और प्लस टू कामन लिया तो एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये इसके फैक्टर आए तो यहाँ लिख देंगे सिक्स एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से x की वैल्यू दो वैल्यू आएंगी, एक हो जाएगी थ्री और एक हो जाएगी माइनस टू। यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि फलन कहाँ पर वर्धमान है कहाँ पर ह्रासमान है, आप इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे और नंबर लाइन पर इन पॉइंटों को मेंशन करेंगे जो कि तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लास्ट में प्लस इन्फिनिटी और फिर यहाँ माइनस टू और यहाँ पर थ्री, ये पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंटों के लिए आपको चेक करना है इन पॉइंटों में कहाँ पर फलन वर्धमान है कहाँ पर ह्रासमान है। तो देखिए माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी, माइनस टू से इधर कौन से नंबर आएंगे, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, तो माइनस थ्री यदि हम लेते हैं एफ डैश एक्स के लिए, माइनस थ्री आपने यहाँ पर लिया यही ले लीजिए, ये जो फैक्टर आपने किए हैं तो सिक्स इंटू माइनस का थ्री और माइनस थ्री प्लस का टू, तो सिक्स इंटू जीरो, सिक्स इंटू जीरो नहीं सॉरी माइनस सिक्स इंटू माइनस का वन। तो देखिए इससे चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, थर्टी सिक्स आएगा, तो इस अंतराल पर क्या है वर्धमान है, इस अंतराल पर फलन क्या है वर्धमान है, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई। अब इस पे चेक करिए, देखिए माइनस टू के बाद माइनस वन लिया तो यहाँ लिखा आपने सिक्स इंटू माइनस वन माइनस थ्री और माइनस का वन प्लस का टू इक्वल टू जीरो। तो देखिए सिक्स इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू वन, तो सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर वो भी माइनस का, तो इसमें फलन क्या है ह्रासमान है। अब इस अंतराल पर चेक कीजिए, इस अंतराल पर क्या हो जाएगा, थ्री से बड़ी वैल्यू, थ्री से बड़ी वैल्यू का मतलब फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो फोर अगर आपने लिया तो यहाँ हो गया क्या फोर सिक्स माइनस फोर माइनस थ्री और यहाँ हो गया क्या आपका फोर प्लस टू, तो सिक्स इंटू वन इंटू सिक्स तो थर्टी सिक्स आ गया, यहाँ पर प्लस का आया तो ये भी वर्धमान। अब इससे आपको क्या पता चलता है, इससे ये पता चल रहा है कि ये फलन दो पॉइंटों पर दो अंतरालों पर वर्धमान है और एक इस अंतराल पर ह्रासमान है। तो वर्धमान के लिए आपको लिखना है, ये रफली वर्क है, ये आपको चेक करना है रफ में, और जो ये नंबर लाइन है और ये सॉल्यूशन है ये आपको फेयर में तो अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन देना है। तो वर्धमान के लिए अंतराल क्या है, वर्धमान के लिए अंतराल है माइनस इनफिनिटी, ये एट बन जाता है, माइनस इनफिनिटी से कहाँ तक माइनस टू तक, और दूसरा कहाँ से है थ्री से प्लस इनफिनिटी तक। अब देखिए ह्रासमान कहाँ पर है, ह्रासमान है ह्रासमान माइनस टू से थ्री तक, ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जहाँ कहीं कोई डाउट हो तो आप बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें भी आपको अंतराल ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहला काम एफ डैश एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू एक्स का टू, अब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आपने रखा तो टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू अपॉन टू इक्वल माइनस का वन। अब आपने नंबर लाइन ड्रा की,
इसको ये एक्स की वैल्यू नंबर लाइन को टू पार्ट में डिवाइड करेगी माइनस वन। अब देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आई, यदि आप माइनस टू यहाँ रखते हैं तो माइनस टू माइनस का फोर और प्लस का टू यानी कि माइनस टू आएगा, यानी इस अंतराल पर ये फलन क्या है निगेटिव आ रहा है यानी कि ह्रासमान है ह्रासमान, और इस अंतराल पर जब इसमें ह्रासमान है तो इसमें वर्धमान हो जाएगा। देखिए कैसे माइनस वन के बाद यदि आपने जीरो रखा तो ये जीरो टू, अगर आपने टू रखा तो यहाँ पर टू टू जब फोर और प्लस टू सभी में पॉजिटिव आने वाला है, ये ह्रासमान ये वर्धमान। तो वर्धमान के लिए आप अंतराल क्या बताओगे, आप बताओगे वर्धमान के लिए अंतराल है माइनस वन से प्लस का इन्फिनिटी, और ह्रासमान के लिए आप लोग अंतराल बताओगे ह्रासमान के लिए अंतराल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। इसमें आप लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा जीरो टेन का जीरो माइनस सिक्स एक्स का माइनस सिक्स और इसका माइनस टू इंटू टू एक्स इक्वल माइनस सिक्स और माइनस का फोर एक्स। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस फोर एक्स इक्वल जीरो और माइनस फोर एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स इक्वल टू सिक्स अपॉन माइनस फोर यानी कि माइनस थ्री बाई टू। अब नंबर लाइन आपने ड्रा की तुरंत और यहाँ माइनस का थ्री बाई टू बीच में मेंशन किया, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस का इन्फिनिटी, तो देखिए माइनस थ्री बाई टू यानी कि 1.5 समथिंग होगा, तो 1.5 से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी टू होगी। टू यदि आप इस पर रखते हैं, यहाँ पर आप टू रखेंगे वो भी माइनस का, तो देखिए माइनस सिक्स इन टू टू फोर टू जो एट और प्लस का एट आ गया तो प्लस आएगा, ये अंतराल वर्धमान इस अंतराल पर फलन वर्धमान होगा और इस पर ह्रासमान होगा। आप चेक कर लीजिए एक बार ह्रासमान में देखिए आपने माइनस 1.5 यानी माइनस थ्री बाई टू से बड़ी वैल्यू ली तो आप क्या लेंगे, यदि आप जीरो ले लिए तो ये पूरा जीरो हो गया तो ये क्या आएगा माइनस सिक्स, यदि आपने वन ले लिया प्लस का वन तो माइनस फोर और माइनस सिक्स माइनस टेन हो जाएगा। तो वर्धमान के लिए ये अंतराल और ह्रासमान के लिए ये अंतराल आपको लिख देना, क्या वर्धमान के लिए क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री बाई टू और ह्रासमान के लिए माइनस थ्री बाई टू से प्लस इन्फिनिटी तक। फिर इसके बाद देखिए इसमें एफ डैश एक्स सबसे पहला काम आपने एफ डैश एक्स निकाला तो माइनस टू थ्री जा सिक्स एक्स स्क्वायर और माइनस नाइन टू जा एटीन एक्स और क्या हो गया ये हो जाएगा आपका माइनस का ट्वेल्व, पूरे से माइनस सिक्स आप कॉमन ले लीजिए माइनस सिक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स और प्लस का टू, इसके फैक्टर करेंगे तो टू के ऐसे फैक्टर कि जोड़ने पर भी टू आए और गुणा करने पर भी टू आए, यहाँ गलती हो गई देखिए सिक्स से जब डिवाइड करेंगे सिक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर थ्री आए ये थ्री। अब देखिए इसके फैक्टर आप करेंगे तो माइनस सिक्स और टू के ऐसे फैक्टर क्या होंगे आपको पता है टू और वन मल्टीप्लाई करने पर टू आए और ऐड करने पर थ्री आए तो टू वन जा टू और टू वन थ्री, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का टू माइनस सिक्स। अब देखिए एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस टू और प्लस का वन कॉमन लिया तो एक्स प्लस टू तो माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, ये इसके फैक्टर आ गए। अब फैक्टर के बाद आपको पता है एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखना है तो माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल जीरो,
x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल माइनस टू माइनस वन। ये भी संख्या रेखा को, नंबर लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड करेगा। तो देखिए दो पॉइंट आए तो तीन पार्ट में डिवाइड करेगा। अब ये पॉइंट आपको सही मेंशन करने हैं, यदि आपने पॉइंट गलत मेंशन कर दिए तो आपका आंसर मिस्टेक हो जाएगा। देखिए माइनस टू पहले आता है कि माइनस वन, तो इसके माइनस वन के लेफ्ट में माइनस टू आएगा और राइट में माइनस वन आएगा और इधर प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा। सपोज दैट आपने माइनस वन इधर कर दिया, टू इधर कर दिया, तो आंसर आपका गलत आने वाला है। माइनस टू से इधर माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री यहाँ आपने रखा तो देखिए यहाँ माइनस सिक्स इंटू माइनस वन, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन आएगा, और यहाँ आपने माइनस थ्री रखा तो यहाँ माइनस का टू आ गया। माइनस थ्री से प्लस वन घटेगा माइनस टू, तो देखो चिन्ह कौन सा आने वाला है, माइनस का, यानी कि ये माइनस आएगा तो ये क्या होगा, हास मान, ये हास मान है तो ये वाला अंतराल वर्धमान होगा। चेक कर लो, एक हास मान एक वर्धमान एक हास मान, इस तरह से ये सीक्वेंस छोड़ के चलता है। तो माइनस टू से माइनस वन के बीच में क्या होगा, माइनस टू से माइनस वन के बीच में माइनस का, इनके बीच में माइनस थ्री अपॉन टू, माइनस थ्री अपॉन टू यदि आपने रखा, माइनस थ्री अपॉन टू यानी कि वन पॉइंट माइनस वन पॉइंट फाइव, तो माइनस सिक्स इन टू माइनस वन पॉइंट फाइव, तो प्लस का यहाँ जीरो पॉइंट फाइव आएगा, यहाँ पे वन पॉइंट फाइव रखा तो माइनस का क्या जाएगा, जीरो पॉइंट फाइव। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह प्लस का आएगा, ये वर्धमान हुआ। और एक बार आप जब करेंगे तब आपको क्लियर होगा, इसके बीच की, इनके बीच की कोई एक वैल्यू उठाकर एड्रेस एक्स में आपको रखनी होती है और उस वैल्यू से आप डिसाइड करेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स का मान क्या है, उसी से आप बताएंगे फलन वर्धमान है या हासमान। अब कहने की जरूरत नहीं है, ये वाला हासमान हो जाएगा। हासमान फलन चेक कर लीजिए, जीरो आपने रखा, जीरो रखा तो ये जीरो प्लस टू आ गया और यहाँ जीरो रखा तो वन आ गया, तो ये टू इंटू वन और ये माइनस का साइन आया तो ये हासमान। हासमान के लिए अंतराल क्या हो जाएंगे, हासमान के लिए, हासमान के लिए अंतराल हो जाएंगे माइनस इनफिनिटी से माइनस टू और माइनस वन से प्लस इनफिनिटी। और वर्धमान के लिए क्या होने वाला है, माइनस टू से माइनस वन, ये इसका आंसर होगा। आपको चेक कर लीजिए, देखिए यदि आंसर में इस तरह से दिया है कि x ग्रेटर देन माइनस वन से x का मान जब माइनस वन से बड़ा होगा, तो ये देखिए माइनस वन से बड़ा है तो वर्धमान इसके लिए, और अगर x इज लेस देन माइनस वन है तो हासमान। तो आप इससे घबराइएगा नहीं आंसर देख करके, देखिए बात वही है, आप ये नंबर लाइन ड्रा कर देंगे, इतना लिख देंगे तो आपका आंसर कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता है। आपका क्वेश्चन का जो रीजन है वो एक लीगल होना चाहिए। यदि आप सही मायने में आंसर आपको दे रहे हैं, आपके रूल्स गलत नहीं है, तो बोर्ड आपकी मार्किंग को कम नहीं कर सकता। जब भी बोर्ड में कोई भी टीचर बैठता है तो वहाँ पर आंसर शीट लेकर नहीं बैठता, वो आपके क्वेश्चन करने का प्रोसेस देखता है, क्या प्रोसेस, किस प्रोसेस पे आपने क्वेश्चन किया। यदि आपका कहीं कोई छोटा सा फॉल्ट होता है तो वो उसको अवॉइड कर देते, और यदि आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है तो अलग की बात है, नहीं अदरवाइज स्टेप मार्किंग से काफी चेक होती है। यदि कहीं कोई फॉल्ट है तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत ही, वो भी टीचर की मर्जी पे डिपेंड करता है वो काटे या ना काटे। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का फोर्थ पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, हो जाएगा जीरो माइनस का नाइन और माइनस टू एक्स। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो
तो क्या हो जाएगा, माइनस नाइन माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस का नाइन बाई माइनस नाइन प्लस का हो जाएगा माइनस टू, ये माइनस नाइन इधर आया प्लस का, x इक्वल टू नाइन अपॉन माइनस टू इक्वल टू माइनस का 4.5। अब आप इसको नंबर लाइन में मेंशन करिए, माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी यहाँ माइनस 4.5। अब देखिए इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस पे अंतराल आपको निकालना है, चेक कर लीजिए यहाँ पर माइनस 4.5 है तो इधर 5 आएगा, तो 5 यदि आपने यहाँ रखा माइनस 5 तो 5 टू जा 10 प्लस का 10 तो, और माइनस 9 किया तो प्लस 1 आया, यानी कि ये वर्धमान होगा और ये वाला अंतराल क्या हो जाएगा, ये वाला अंतराल आसमान हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं आसमान में कौन सा पॉइंट आने वाला है, पॉइंट आएगा माइनस 4, माइनस 4 यहाँ आपने रखा तो 4 टू जा 8 और प्लस का 8 तो प्लस 8 माइनस 9 माइनस का 1 आएगा, तो ये आसमान और ये वर्धमान। आप इसको क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन माइनस 4.5, x का मान जब 4.5 से बड़ा हो, जब x का मान 4.5 से बड़ा होगा तो आप इसे कह सकते हैं आसमान, और वर्धमान के लिए x इज लेस देन माइनस 4.5 तो यहाँ पर वर्धमान हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, देखिए इसमें उल्टा हो गया ना, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ x का मान माइनस 4.5 से बड़ा, यानी कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव के लिए आप आसमान कह रहे हैं और निगेटिव के लिए वर्धमान। इस x की वैल्यू से फंक्शन वर्धमान और आसमान नहीं डिसाइड होता, वह फंक्शन वर्धमान आसमान कहाँ से डिसाइड होगा, f डैश x की वैल्यू से। इस वैल्यू को आपको इस पे रख के चेक करना पड़ेगा कहाँ पर फलन वर्धमान है कहाँ पर फलन आसमान है, वो कैसे होगा जब वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव आएगी तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए फार्मूला इस पे भी आपको वही, यदि इस चैप्टर में आपको अवकलन अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वर्धमान आसमान का। और यदि आपको अवकलन नहीं आता तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी, यदि आप चाहते हैं कि वर्धमान आसमान में दिक्कत ना हो और आपको अवकलन में समस्या है तो आप लिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं, या कहीं से भी अवकलन आप क्लियर कर लीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसके लिए आप लोग देखिए दो तरीके, या तो U और V वाला फार्मूला आप लगाएं अवकलन करने में, या आपने लॉग का एक बेसिक एक्सपोनेंट के फार्मूले पढ़ रखे हैं, यदि a की पावर b हो इनटू और c की पावर b हो, या ये कह सकते हैं a की पावर m हो b की पावर m हो, दोनों की पावर सेम हो तो बेस का आपस में प्रोडक्ट करा के पावर कॉमन कर लेते हैं, इससे आप लिख सकते हैं a इंटू सी की पावर m। या आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए ये होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अवकलन करने के लिए आप पहले थोड़ा सा फंक्शन को ही सरल करेंगे, x प्लस 1 x माइनस 3 की पावर 3 आपने मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया, x का x में x स्क्वायर, x का माइनस 3 में माइनस 3x, 1 का x में प्लस x, 1 का 3 में माइनस का 3 का होल क्यूब। अब x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3 की पावर 3। अब देखिए f डैश x निकालना है तो सिंपल फार्मूला लग जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, देखिए 3 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की पावर 2। और फिर इसके बाद, अब इसके बाद आप क्या इसका फिर से अवकलन कराएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और माइनस
2x का क्या होगा -2, ये आपने अवकलन कराया, अब इसको 0 के इक्वल रखना है, f'x = 0, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, घबराइएगा नहीं, 3x² - 2x - 3 का होल स्क्वायर 2x - 2 = 0, अब देखिए एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो x² - 2x - 3 = 0, तो इसकी तो कोई वैल्यू बची नहीं, खत्म हो गया है, x² - 2x - 3 = 0, इसके फैक्टर आप लोगों को पता है x + 1 और x - 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आई -1, 1 आ गई 3, फिर इसके बाद आप लोगों ने इसको इक्वल रखा 2x - 2 = 0, तो 2x = 1, अब इसमें देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 3 पॉइंट आए, 3 वैल्यू आए, तो ये नंबर लाइन को 4 भागों में बांटेगी, माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी, ये इधर दिख रहा है, हाँ अब देखिए सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, -1 फिर +1 फिर 3, अब चलो इसमें बताओ कौन सा इंटरवल है, कौन सा वर्धमान है, कौन सा आसमान है, वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में लिख के बताइए, देखिए यहाँ रखा आपने -2, जब आप इस पे रखोगे तो थोड़ा सा उधारी से देखिए f'(x) का मान ये है, -2 रखा तो देखिए ये तो यहाँ आपको प्लस की वैल्यू देगा, यहाँ -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, प्लस का और -2 और -2 माइनस का 4, प्लस का 4 हो जाए और -3 का होल स्क्वायर, और ये -2 माइनस का 4 और -6 आ जाए, तो देखिए 4 4 8 8 + 3 = 5, 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, वो 25 और ये चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस आएगा, कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, -2 रखने पर क्या आया, ये निगेटिव आएगा यानी कि आसमान, फिर इसके बाद यहाँ पर ये आसमान है तो ये वर्धमान होगा, 0 रख के देखिए यहाँ इनके बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 ये 0 पूरा, यहाँ क्या बचा -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, यहाँ 0 और ये तुम्हारा ये 0 हुआ, देखिए ये 0 ये 0 -3 का स्क्वायर प्लस और यहाँ 0 रखा तो -2 निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो हम लोग अपना आसमान लिख देंगे, आसमान अपना बेसिक रूल, और इसमें 1 से 3 के बीच में क्या आएगा 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और -4 -3 का स्क्वायर और 2 2 = 4 - 2, तो देखिए 4 4 - 3 9 और (2) ये आ गया आपका वर्धमान, फिर इसके बाद 4 रख के चेक किया तो 4 जब रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और -4 2 = 8 तो -3 का होल स्क्वायर और 4 2 = 8 - 2 तो 8 - 3 यहाँ से माइनस किया 16 से 8 को तो 8 आया 8 - 3 = 5 और यहाँ से भी प्लस, तो ये भी वर्धमान, यानी कि वर्धमान के लिए अंतराल क्या होगा 1 से 3 और 3 से +∞ और ह्रासमान के लिए अंतराल होगा -∞ से -1 -1 से 1, ये था क्वेश्चन नंबर 6, आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे।